बाबासाहब जी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। इसी बीच हमारे मेज में पधारे हैं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट साहब धन्यवाद आपका। अगले साल फिर मिलेंगे। बिल्कुल साहब, कह दिया उन्होंने बाबा साहब जी ने, रोड बोर्ड का देने मैं हूँ, आप तो कराओ, कोई टेंशन नहीं है। जोरदार ताली उनके लिए। देखिए ये जो मुकाबला हरियाणा और भरतपुर के बीच चल रहा है, इसमें एक मिनट का समय शेष है। ये दंगल की सबसे सुपर कुश्ती, बहुत बेहतरीन मुकाबला। जी मैं बता दूं, ये श्याम प्रो की कमेटी बराबर पर भी 25% पैसा देगी पहलवानों को। कमेटी के लिए ताल बजा दो, इसी कमेटी के लिए पहलवान जी यारी बता दो ना सामने से कौन है। बहुत अच्छा दंगल लग रहा है, राजस्थान क्या हरियाणा की तर्ज में। देखो डबल डबल मुकाबले हो रहे हैं, एक ही सर्किल में दो मुकाबले और दोनों ही सुपर हिट। बहुत अच्छा मुकाबला। यदि ये कुश्ती फाइनल होती है दिनेश जी बढ़ाओ और 500 रुपए, 2100 रुपए, 2100 रुपए की कुश्ती है ये दिनेश जी। बहुत अच्छा मुकाबला, मैं मानो का नहीं जोड़ू। चलिए सर्व साहब चलते हैं क्या? सर्व साहब बिल्कुल अंदर जाओ सर, आप सर एक मिनट। जनता और एक मिनट देना चाहती है इस मुकाबले को, बता दो आप, एक मिनट दे दो आप, कह दे दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक मिनट और की जाती है। बहुत अच्छे, बीच में आ जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन राजेश्वरी जी से कि वो भी वहाँ दंगल परिसर में जाए। साथियों ईआरसीपी के लिए सबसे ज्यादा यदि संघर्ष किसने किया है तो वो हमारे भाई कमलेश जी और भाई राजेश्वरी जी। मैं निवेदन करूंगा दोनों से कि दोनों एक बार अपने विचार संक्षिप्त में रखे, यहाँ की जनता को समझाए क्यों जरूरी ईआरसीपी और क्या होने वाले अगले कुछ सालों के हालात अगर ईआरसीपी नहीं आई तो। मैं निवेदन करूंगा बहन राजेश्वरी जी से और हमारे भाई कमलेश जी लोटर साहब से कि वो अपनी बात रखे, सार गर्भित और संक्षिप्त में रखे। लेकिन साथियों 2 मिनट का समय हमारी बहन राजेश्वरी जी के लिए, प्लीज कोई बीच में न बोले। रेफरी मोदी जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। मैडम बोलो, बालाजी मां।